हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी होम रेमेडी जो आपके हेयर फॉल को रोकेगा, आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, शाइनी करेगा और बहुत ज़्यादा सिल्की करेगा। इसके लिए आप ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आपने देखा, वॉश करने से पहले मेरे बाल ऐसे थे, वॉश करने के बाद बिल्कुल स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो गए। अभी मैं इनको कितना भी कॉम करूंगी तो मेरे एक भी बाल नहीं टूटेंगे। आप देख सकते हो मेरे कॉम में, मेरे एक भी बाल नहीं टूटेंगे चाहे मैं इसको किस भी तरीके से कॉम करूं। सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा। मैंने नेचुरल एलोवेरा लिया है। ये एलोवेरा मैंने एलोवेरा प्लांट से कट करके निकाला है। आप एक एलोवेरा का लीफ ले लो, उसमें से उसको पील करके उसका सारा पल्प एक बोल में ले लो। आप देख सकते हो ये कितना प्योर और ओरिजिनल है। आप इसके लम्ब्स क्लियरली देख सकते हो कितने क्लियर हैं। तो इसका मतलब है ये एलोवेरा बहुत अच्छा और हेल्दी है हमारे बालों में, हमारी इस रेमेडी में यूज़ करने के लिए। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बाल टूटते क्यों हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है हमारे बाल टूटने का कि आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है जो हमारे बाल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो सबसे बड़ी बात जो लोग हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि आप लोग अपने बालों को अच्छे से केयर नहीं करते हो। उनका कोई रूटीन नहीं है उनको केयर करने का, ना उनको ट्रिमिंग कराना, ना उनको प्रॉपर ऑयलिंग देना, ना उनको हेयर पैक देना, ना उनका कोई केयर नहीं करना। इसमें मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। इस एलोवेरा में कोकोनट ऑयल मिक्स करने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ही स्मूथ होंगे और डैमेज फ्री हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस वाटर। राइस वाटर रात को पानी में भिगोना है, उसके बाद इसको रात भर छोड़ देना है, सुबह इसका पानी छान के निकाल लेना है और आपको इसको ऐड कर देना है एक लेमन जूस के साथ। ये चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको एलोवेरा के बेनिफिट्स बता देती हूँ। एलोवेरा हमारे बालों को उलझने से रोकता है। जब हम कॉम करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, एलोवेरा उसको इतना हेल्प करता है, इतना पेनिट्रेट करता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाता है, जिससे हमारे बाल डैमेज से भी बच जाते हैं और टूटने से भी बच जाते हैं। लेमन जूस हमारे स्कैल्प को हेल्दी और क्लीन करता है और हमें डेंड्रफ से बचाता है। राइस वाटर में बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल होता है जो हमारे बालों को बहुत अच्छा रखता है, नेचुरल शाइन देता है और स्मूथ देता है। हमारे बाल रीग्रोथ होते हैं क्योंकि राइस वाटर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बालों को कंडीशनिंग करता है, बिल्कुल उस तरीके से जब हम शैम्पू करते हैं और कंडीशनर यूज़ करने के बाद बाल हमारे जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही राइस वाटर से हमारे बाल स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं। मैं अपने बालों को मेंटेन करने के लिए होम रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ, ना कि केमिकल का। हफ्ते में दो बार मैं अपने बालों में होम रेमेडी ट्राई करती हूँ और इसके वजह से मेरे बाल डैमेज से बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं, हेयर फॉल बहुत कम होता है और जो हेयर फॉल हो चुका होता है वो रीग्रोथ भी होने लगता है। गीले बालों को कॉम करने से बचें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपने बालों को वॉश करने के तुरंत बाद कॉम करते हैं, लेकिन जब बाल गीले होते हैं तो उनको कॉम करने की वजह से हमारे कॉम में बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं और वो टैंगल फ्री नहीं होने के वजह से बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और कुछ पूछने के लिए कमेंट करें।